हाँ भाई, आ गया फिर से वही नीट वाला टाइम। हाँ, फिर से वही डाउट स्टार्ट हो गया कि भैया इस बार तो 25 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। भैया ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने ठान रखा है कि ये मैं लास्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ, लास्ट ट्राई है मेरा, इसके बाद मैं और नीट का अटेम्प्ट नहीं दूंगा। तो भैया क्या होगा, इतना स्काई रॉकेट कर गया है कॉम्पिटिशन, क्या मेरा सिलेक्शन हो रहा होगा। वही सेम सवाल कि भैया लास्ट एक मंथ बाकी है, तो बताइए कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहिए, एलन का करूँ, आकाश का करूँ, एन अकेडमी का करूँ, फिजिक्स वाला का करूँ, किसका करूँ, कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा बिल्कुल नीट का लेवल का रहता है। अब क्या करूँ मैं, मतलब ये करूँ वो करूँ, एनसीईआरटी पढ़ूँ, नोट्स पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, भैया बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है। सेम मैंने एक वीडियो बना रखा था पिछले साल कि भैया पैनिक हो रहा है। भैया देखो, मैं वही सेम चीज़ बोलना चाहूँगा तुम लोगों को कि भाई देखो, ठीक है ना, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपका EQ भी हाई होना चाहिए, IQ के साथ साथ। IQ का ज़रूरत नहीं होता है, बट EQ बहुत हाई होना चाहिए। पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट, सोच के भी नहीं है कि क्या होगा। अभी तुम एक महीना बर्बाद कर दोगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन का जितना 1% 2% चांस था भी, मतलब 1-2% क्या, अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो हाई चांसेस बहुत देर कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे, वो चांसेस भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। अब खुद का सिलेक्शन को खुद ही रोक दोगे अगर ये सब चीज़ें आप सोच रहे होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, दिमाग से हटा दो। और मैं बताता हूँ कौन से पेपर्स करने, मैं वही बता पाऊँगा जो मैंने किए थे एंड जिससे मेरा जो है रैंक आया था, मार्क्स आया था, नीट मैंने क्रैक किया था, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एलएन के तुम्हें करने मेजर्स वाले पेपर, ठीक है, अगर सिलेबस कंप्लीट है, मैं मान लूँगा कि सिलेबस कंप्लीट ही अभी तक हो जाना चाहिए, तो एलएन के मेजर्स पेपर तुम्हें देने हैं और आकाश के FTS वाले पेपर्स देने हैं। कहाँ से मिलेगा भैया, हमने कोचिंग नहीं ले रखा है। तो भैया टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, आपको पता ही है सब कुछ टेलीग्राम में मिल जाता है आजकल, तो टेलीग्राम में जाओगे, सर्च करोगे, मिल जाएगा, ठीक है। आकाश के FTS पेपर्स और एलन के मेजर्स पेपर, ये दोनों आपको देने हैं, ठीक है, बिल्कुल नीट स्टिपुलेटेड मैनर में देने हैं। 2 से 5:20 तक जो आपका टाइम फ्रेम है जिसमें आपको नीट देना होगा एक्चुअल रियल टाइम में, उसी टाइम में आप आपका ये मॉक टेस्ट भी दोगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना यार, ये एक मंथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सकता है कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में जो आप पढ़ोगे वही आपका दिमाग में रह रहा होगा और आप वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन हॉल में उसको प्रोड्यूस करके आ पाओगे, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।